मॉर्निंग फ्रेंड्स लेट्स इंडियन एक्सप्रेस फर्स्ट वर्ड इज ऑफ़ डिसऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्डर दिन कुड बीडीनेस कंफ्यूजन डिसऑर्डर तो जब भी कुछ चीज डिस होती है या डिसऑर्डर वे में होती है या दे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम उसे कहते हैं डिसरे डिस नेक्स्ट इज इनोकुलेशन इनाकुलेशन मीन इन सिंपल वर्डेशन कूड बी इट सिनोनेस टू ट्रीट विदिन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज ऑल राइट तो वैक्सीनेशन आप बोले चाहे इनोकुलेशन इट मीन द सेम थिंग जैब जैब का मतलब होता है किसी को पोक करना With समथिंग शार्प या पॉइंटेड चीज से टू पोक रफली और क्विकली स्पेशली with समथिंग शार्प और पॉइंटेड हम कहते हैं ना कि तो जैसे हम कभी किसी के पेट पे, पे बहुत तेज मार देते हैं तो वो क्या होता है इट्स जैब ऑन द स्टमक राइट तो किसी को बहुत तेज किसी शार्प चीज से रफली या क्विकली मार देना उसे कहते हैं जैब स्कैल्पल स्कैल्पल मीनस एन एक्सट्रीम शार्प ब्लेड विच इज यूज इन सर्जरी कोई बहुत सर्जरीज में बहुत छोटे छोटे ब्लेड यूज किए जाते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं उन्हें हम स्के हैं is इसका मतलब होता है विदाउट कि इंटरफेरेंस बिना किसी इंटरफेरेंस के चीजों को करने देना इट द पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टू टेक देयर ओन कोर्स यानी कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही होने देना उसमें इंटरफेयर ना करना उसे कहते हैं लेस फेयर नेक्स्ट इज क्यू एस के ई डब्ल्यू क्यू इट सडन चेंज इन डायरेक्शन और पोजिशन और अनफेयर और मिसलीडिंग अचानक से कुछ चेंज हो जाना आपने कुछ सोचा था अचानक से चेंज हो गया मिसलीड हो गया उसे कहते हैं स्क्यू हम कहते हैं ही अप तो इट मीन्स सडनली चेंज डायरेक्शन और पोजिशन इम्पीरियल इंपीरियल जो वर्ड है ये मेजरली इम्पायर के लिए यूज होता है रॉयल फैमिली के लिए यूज होता है तो इट मीन्स रिलेटिंग टू एन एम्पायर और रॉयल फैमिली अनप्रेसिडेंटेड इट मीन्स समथिंग विच इज नेवर डन बिफोर या जो हमें हमने पहले ना किया हो जो हमारे लिए बहुत नया हो उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड मीरियाड मीरियड का मतलब होता है काउंटलेस जिसे हम काउंट ना कर सकते हो राइट कुछ बहुत बहुत सारी चीजें एक जगह पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मीरियाड ऑफ स्टार्स इन द स्काई यानी कि बहुत सारे स्टार्स इन द स्काई ओके सो इट मीन काउंटलेस काउंटलेस एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल एक्सट्रीनियस इट मीन्स अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट बींग डेल्ट विद इन मटीरियल और इन का सिंपल सा वर्ड जो इसका है वो है irrelevant जिसके, जिसके बारे में हमें ना पता हो इंटेल का मतलब होता है टू involve द सर्जरी इंटेल्ड सो एंड सो थिंग्स राइट तो यानी कि उस सर्जरी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी नेक्स्ट इज रामिफिकेशन रामिफिकेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स Or unwelcome consequence of an action or event. इसको हम कॉन्सिक्वेंसिस भी बोल सकते हैं ओके okay? तो किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंस उसे हम रामिफिकेशन कहते हैं मेल स्ट्रॉन्ग मेल स्ट्रॉन्ग मीन्स टर्बुलेंस और टर्मॉइल और यू कैन से वॉर्टेक्स पावरफुल पावरफुल वर्लपूल इन अ सी और रिवर को हम मेल स्ट्रॉम कहते हैं और इसका जैसे कुछ बहुत तूफान आ जाए नदी में ओशन में तूफान आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं टर्बुलेंस कहते हैं वॉरटेक्स कहते हैं मेल स्ट्रॉम कहते हैं ट्राइज जैसे आज के एक आर्टिकल में ट्राएज वर्ड यूज किया गया था जो कि आर्टिकल का नाम sword over the scalpel. मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है तो उसमें बोला गया है कि हमें ट्राएज कमिटीज बनानी चाहिए तो ट्राइज का मतलब होता है टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स यानी कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे होगी मेजरली ये लार्ज नंबर्स में की जाती है तो उनकी कैसी ट्रीटमेंट होगी उसे हम कहते हैं ट्राइज क्वांट्री क्वांट्री का मतलब होता है डिलेमा और अ डिफिकल्ट सिचुएशन कंफ्यूजन भी आप इसे कह सकते हैं लूम loom, आपने लूम्स वर्ड uh, uh, एक लूम एक ऐपरेटस होता है जिस पे हम कपड़ा बुनाई करते हैं इट्स एन ऐपरेटर फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वीविंग यान ऊन से या ऊन का या धागे को हम वीव करके जब फैब्रिक बनाते हैं उस, उस और जिस चीज पे वो बनता है उसे लूम कहते हैं इसे हम लिटरली लिटरली सेंस में भी यूज करते हैं कैटेस्ट्रोफिक कैटेस्ट्रोफिक का मतलब होता है समथिंग विच इज डिजास्ट्रेस ओके सो इट इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग इज कैटेस्ट्रोफिक डिजास्टर होना उसे कैटेस्ट्रोफिक कहते हैं नेक्स्ट इज पाइवोटल पाइवोटल मीन्स समथिंग वेरी क्रूशियल समथिंग वेरी वाइटल ओके सो इट मीन्स ऑफ क्रूशल इम्पॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ समथिंग रेवेजिंग रेवेज कहते हैं ना कि ही हैज अ वेरी रेवेजिंग नेचर तो इट मीन्स टू कॉज सिवियर और एक्सट्रीम डैमेज ओके टू समिंग और टू डिवास्टेट फज फज का मतलब होता है टू प्रेजेंट और डील विथ समथिंग इन अ वेरी वेग और इन वे यानी कि टू कॉम्प्रोमाइज मीन्स किसी चीज को अच्छे तरीके से उसको डील ना करना ऐसे ही नॉर्मल uh, वे uh, में ऐसे ही मीन्स मतलब कि काम निपटाना उसे कहते हैं फज ऑफिस केटिंग का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है ये के नहीं होना चाहिए था सी होता तो अपस्केटिंग का मतलब होता है टू कंफ्यूज समथिंग अनक्लियर होना पजल्ड होना उसे कहते हैं ऑफ एंड द लास्ट वर्ड इज एपिडेमोलॉजिस्ट It means a person who studies or is an expert in the branch of medicine which deals with incidences, distribution, or possible control of diseases. Okay. So these were the few uh, words which came in today's editorial and idea page. Uh, do learn these, practice this. And uh, when you are reading the editorial of today uh, of the Indian Express, then just go through these words again. Right? See you tomorrow again with new words. Uh, so till then, take care. Bye bye.